अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुनास का बावर्ची खाना। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं हलवा पूड़ी का नाश्ता। पूड़ी का आटा गूंद रहे हैं, जिसके लिए हमने 1 किलो मैदा लिया है। नमक लिया है हमने आधी चाय का चम्मच। बेकिंग सोडा लिया है हमने 1 चाय का चम्मच। चीनी हमने ली है 1 चाय का चम्मच। तेल हमने लिया है 1 प्याली। आइए इसे गूंदने का तरीका। और हमने पानी लिया है 2 कप। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक। हम मैदा जो हमने 1 किलो लिया है, हम पहले नमक डालेंगे। उसके बाद डालेंगे बेकिंग पाउडर 1 खाने का चम्मच। चीनी लेंगे 1 खाने का चम्मच। इसे मिक्स कर लेंगे ताकि बेकिंग पाउडर और नमक और चीनी पूरे आटे के साथ मिक्स हो। और इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। आप वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं। पूरा 1 प्याली तेल जो लिया था सरसों का, वो हमने डाल दिया। अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो सरसों का तेल है वो पूरे आटे के साथ मिक्स हो जाए। देखिए, हमने जो सरसों का तेल डाला था वो बिल्कुल मिक्स हो चुका है आटे के साथ। देखेंगे आटे का कलर चेंज हो चुका है, येलो कलर का हो चुका है ये। अब इसमें हम पानी डालेंगे, आटे को गूंदेंगे। देखिए पानी डाल दिया है। देखिए उसे गूंद कर हम 2 घंटे रखेंगे ताकि जो हमारी पूड़ियाँ हैं वो सॉफ्ट हो। देखिए हमारा आटा जो है वो भुनी चुका है। अब इसमें हम सरसों का तेल लगा के इसे रख देंगे 2 घंटे के लिए ताकि हमारी जो पूड़ियाँ हैं वो सॉफ्ट बने। अच्छे चमके आएंगे ताकि हमारा आटा भी सॉफ्ट भुनी जाएगा तो हमारी पूड़ियाँ भी सॉफ्ट बनेंगी। हमारा आटा जो है पूरी का वो भुनी चुका है। अब हम इसमें तेल लगा के इसको रख देंगे 2 घंटे के लिए। मुक्की लगा के दोबारा इसको हम 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि हमारी जो पूड़ियाँ हैं वो सॉफ्ट बने। देखिए हमारा आटा कितना सॉफ्ट गुनी जाए और हमारी पूड़ियाँ भी इतनी सॉफ्ट बनेगी। आप भी इतना ही सॉफ्ट आटा गुनिएगा। अब जब 2 घंटे के लिए रख देंगे, 2 घंटे के बाद हम पूड़ियाँ तलेंगे तो वो बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी। हम हलवा पूड़ी का नाश्ता आपको बनाना सिखा रहे हैं, जिसमें हमने आपको पहले पूड़ी का आटा गूंदना सिखाया था। अब हम आपको सूजी का हलवा बनाना सिखा रहे हैं, जिसके लिए हमने 1 पाव सूजी ली है, 1 चाय के चम्मच जर्दे का कलर लिया है हमने फूड कलर ऑरेंज कलर का, और हमने इलायची लिए 5 दाने हमने इलायची के लिए हैं जिसे हमने खोल लिया है, और हमने चीनी ली है 1 प्याली। हमने वेजिटेबल ऑयल लिया है 1 प्याली। आइए से बनाने का तरीका देखते हैं। उससे पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा जो बिल्कुल फ्री है। देखिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी सारी रेसिपी आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए हमारा पैन जो है गर्म हो चुका है। इसमें हम तेल डालेंगे 1 प्याली। टेबल ऑयल ले रहे हैं, आप घी भी ले सकते हैं। 1 प्याली हमने तेल डाल दिया। आप घी डालें या तेल डालें, दोनों ज़्यादा ही डलता है क्योंकि ये जो हमारा हलवा है वो दानेदार बनता है। इसमें इलायची डालेंगे 5 दाने जिसे हमने खोल लिया है। इसमें जो हमने इलायची डाली थी वो थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब हम डालेंगे सूजी। हमने 1 पाव सूजी लिए जिसे हमने छान लिया था। 1 पाव सूजी डाल देंगे हम इसमें और इसे हम भूनेंगे। सूजी को हम भूनेंगे, थोड़ा सा हम इसका कलर चेंज करेंगे। देखिए हम सूजी को भून रहे थे, इसकी खुशबू आ चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे फूड कलर 1 चाय का चम्मच, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे गर्म पानी जो हमने अलीदा गर्म करके रखा था। पानी आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको पतला रखना है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। हम गाढ़ा रखना चाहते हैं तो थोड़ा कम पानी डाल सकते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया हमारे हलवे का। अब इसमें हम चीनी भी साथ ही डाल देंगे। 1 प्याली हमने चीनी ली थी।
देखिए हमारा हलवा जो है वो चेक करेंगे, हमारा हलवा जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए तेल ऊपर आ चुका है इसका, और ये हमारी जो सूजी में जो पानी था वो भी खुश्क हो चुका है, और ये दानेदार हो चुका है, और कलर भी देखा इसे इतना अच्छा है, खुशबू भी बहुत अच्छी है। अब सब चूल्हा बंद कर देंगे, हमारा जो हलवा पूरी का हलवा है वो तैयार हो चुका है। पूरी का आटा गूंदना भी सिखा दिया और हलवा बनाना भी सिखा दिया। अब आपको पूरी का सालन बनाना सिखा दिया, जिसके लिए हमने आलू लिए हैं आधा किलो, इसे हमने बॉईल कर लिया था छिलकर। देखें हमने ये सौंफ बिल्कुल बॉईल हो चुके हैं। हमने हरा धनिया लिया है आधी गड्डी, 1.5 चम्मच जो है खाने का नमक लिया, आपने जायके के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। आधी चाय का चम्मच हमने कलौंजी ली है, आधी चाय का चम्मच हमने गर्म मसाला लिया है, आधी ही चाय का चम्मच हमने सूखा धनिया लिया है, और हमने थोड़ा सा आधी चाय से कम हमने जो है वो जर्दी का कलर लिया है। हमने 6 से 7 हरी मिर्चें ले ली जिसे हमने धोकर साफ कर दिया है। जीरा लिया है हमने आधी चाय का चम्मच, हल्दी जो है वो भी आधी चाय का चम्मच है, कुटी हुई मिर्चें वो भी आधी चाय का चम्मच है, और लाल मिर्ची जो है हमने 1 चाय का चम्मच ली है। इसे बनाने का तरीका आए हलवा पूरी या सालन बनाने की तरकीब देखते हैं, जिसमें हम सबसे पहले डालेंगे आलू जो हमने बॉईल कर लिए थे, आधा किलो आलू लिए हमने, इसे बॉईल करके छील कर हमने इस तरह तोड़ लिया है, और इसे हमने ज्यादा बारीक नहीं करना है, इसे मोटा मोटा ही रखना है। इसके हम डालेंगे गरम पानी जो हमने गरम कर लिया था, इसके बाद हम डाल देंगे नमक 1.5 खाने के चम्मच, आप जायके के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। सूखा धनिया डालेंगे हम आधी चाय का चम्मच, हल्दी है आधी चाय का चम्मच, कुटी हुई मिर्ची आधी चाय का चम्मच, और ये पीसी हुई लाल मिर्ची जो हमने 1 चाय का चम्मच दी ये भी हम डाल देंगे। जर्दे का रंग डालेंगे हम, आधी चाय से कम है ये, तो ये हम डाल देंगे जर्दे का रंग। और जो हमने आपको जीरा और कलौंजी जो बताई थी वो हम एंड में डालेंगे, क्योंकि हम उसका तड़का लगाएंगे। जब हमारा सालन पक जाएगा आलू का तो हम इसमें तड़का लगाएंगे कलौंजी और जीरे का। इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्चें 6 से 7 जिसे हमने धोकर साफ कर लिए, और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। हमारा जो आलू का सालन हमने तरकारी बनाई थी गाढ़ी हो चुकी है, अब इसमें हम तड़का लगाएंगे कलौंजी का और जीरे। सरसों का तेल वगैरह हो चुका है, इसमें हम डालेंगे आधी चाय का चम्मच कलौंजी और आधी चाय का चम्मच जीरा डाल देंगे। देखिए हम अपना तड़का लगा रहे हैं सालन में, और ये हमने तड़का लगा दिया है। देखिए हमारे आलू की जो तरकारी है वो तैयार हो चुकी है। देखिए हमने इसमें तड़का लगा दिया था जो हमने आलू का सालन बनाया था, अब इसमें हम डालेंगे आधी चाय का चम्मच गरम मसाला। इसमें हम डालेंगे मेथी के 1 चंद पत्ते जो हमने धोकर साफ कर लिए थे, ये अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वैसे आप धनिया भी डाल सकते हैं। इसमें हम धनिया भी डाल रहे हैं आधी गड्डी। हमारा जो सालन है वो तैयार हो चुका है, अब इसका चूल्हा बंद। ये हमने आटा जो आपको गूंदना सिखाया था ये हमने 2 घंटे पहले गूंद के रख दिया था। हम इसके हम गोलियां बनाएंगे, पेड़े बनाएंगे। आपने हाथ पे सरसों का तेल या वेजिटेबल ऑयल लगाना है और फिर इसके छोटे छोटे पेड़े बनाने। देखिए आप इस साइज के पेड़े बनाने ताकि आपकी पूड़ियां सही साइज की बने, ना ज्यादा छोटी ना ज्यादा बड़ी। अब हम सबके पेड़े बना, देखिए हम इसको फ्राई कर रहे हैं। देखिए हमारी पूरी कितनी अच्छी फ्राई हो चुकी है। हम सरसों के तेल में फ्राई कर रहे हैं, आप वेजिटेबल ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। देखें कितनी अच्छी लग रही है चिकन फ्राई हो चुकी है, हम इसको निकाल दें। बनाना सिखा रहे हैं जो हलवा पूड़ी के साथ अचार होता है वो बनाना सिखा रहे हैं, जिसके लिए हमने प्याज ले लिया 2 दरमियाने साइज से जिससे इतना बारीक काट लिया है, गाजर लिए हमने 1 जिसे हमने इतना बारीक काट लिया है, टमाटर भी हमने 1 लिया है जिसे बारीक बारीक काट लिया है, मिर्चे भी हमने 1-2 से 3 लिए जिसे हमने इतना बारीक काट लिया है। इसके बाद हम नमक लेंगे, थोड़ा सा हम नमक लेंगे 2 चुटकी, कलौंजी लेंगे हम आधी चाय का चम्मच, हल्दी लेंगे हम 1 से 2 चुटकी, और हम नेस्टल का सिरका यूज कर रहे हैं। आइए इसे बनाने की तरकीब देखते हैं।
सबसे पहले हम डालेंगे गाजर जो हमने बारीक काट ली थी धोकर। उसके बाद हम डालेंगे प्याज जो हमने बारीक काट लिए थे बिल्कुल दो दरमियानी साइज के। उसके बाद डालेंगे हम टमाटर जिसे हमने बारीक काट लिया है बिल्कुल एक अदद लिया है हमने। दो हमने मिर्चे लिए जिसे हमने बारीक काट लिया है। कलौंजी डालेंगे हम आधी चाय का चम्मच हमने कलौंजी ली थी। नमक डालेंगे हम इसमें, हल्दी भी हम थोड़ी सी डालेंगे और सिरका डालेंगे इसमें हम दो चम्मच। नेशनल का सिरका हम यूज कर रहे हैं। दो चम्मच हमने सिरका डाल दिया, अब इसे मिक्स करेंगे। तो हम हाथ से मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरह मिक्स हो। ये वही अचार है जो हम बाजार में जो हलवा पूड़ी खाते हैं उसके साथ जो अचार आता है ये वही अचार है। आप जरूर बना के एक बार इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है। हलवा पूड़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है, बहुत जल्दी भी बन जाता है। ये हमारा अचार तैयार हो चुका है, अब से हम हलवा पूड़ी के साथ आज हमने आपको हलवा पूड़ी बनाना सिखाई है। बाजार की हम लोग खाते हैं लेकिन हम लोग को नहीं पता था उसमें तेल कैसा है कैसा नहीं है, इसलिए हमने आपको घर में बनाना सिखाई है। बहुत जल्दी बन जाती है और ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो आप बहुत अच्छी लगेगी, उनको भी खुद भी खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस रेसिपी को ताकि लोग घर में बनाएं और अपने घर वालों की हेल्थ का भी ख्याल रखें। और ये देखें हम पूड़ी आपको तोड़ के दिखा रहे हैं, देखें पूड़ी कितनी सॉफ्ट बनी है और कितनी टूट गई है आराम से। आप खुद बनाएं और घर वालों को खिलाएं क्योंकि घर वालों की सेहत जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए हमने आपको घर की हलवा पूड़ी बनाना सिखाई है। बहुत जल्दी बन जाती है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली स्टेप के लिए अल्लाह हाफिज़।